गुरु की कृपा अगर बनी रहे तो मुट्ठी में ही संसार मिलता है, मुट्ठी में ही संसार मिलता है। स्वयं एक प्राध्यापक टीचर के रूप में नियुक्त हुए, किंतु उन्होंने वहां मात्र एक साल तक सेवा किया। इसके बाद आपके बगल में बीएचओ, बड़ा फेमस विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश में बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, वहां के वाइस चांसलर भी बने। भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद भारत का अपना जो व्यवस्था है शासन, स्वदेशी शासन को लागू करने के लिए संविधान की जरूरत थी। उसे बनाने के पश्चात जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, तब उड़ता हमारा देश जो है स्वतंत्र माना गया, और इसके बाद पूरे देश में आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में, और 52 से लेकर के 1962 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे। और राष्ट्रपति कौन थे कितने बच्चे जानते हैं? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके साथ इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर उस पद को सार भारित किया। इसके पश्चात जब 1962 आया तो 13 मई 1962 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी बन गए। तात्पर्य क्या मतलब हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए। और जब ये राष्ट्रपति बने तो उससे पहले एक टीचर के रूप में काम किए थे, तो इनके जो शिष्य थे बड़े खुश हुए कि आज हमारे गुरुजी पूरे देश की जो सबसे बड़ी पोजीशन है उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो सभी लोग मिल के इनके पास जाते हैं और गुरुजी से आग्रह करते हैं कि सर हम सभी लोग मिल करके आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा, मेरा जन्मदिन कोई स्पेशल विशेष हमारा मेरा जन्मदिन नहीं, अगर आप मनाना ही चाहते हो तो हमारे जन्मदिन को पूरे शिक्षक के जन्मदिन को मनाया जाए। इस बात को सभी उनके जो शिष्य थे, चाहने वाले थे, उनके फॉलोवर थे, जो सभी लोगों ने मान लिया। इसी से आप देखते हैं कोई टीचर अकेले नाम नहीं, क्या लिखा है टीचर्स डे। किसी एक अध्यापक का बर्थडे नहीं, जन्मदिन नहीं, बल्कि सभी अध्यापक सभी टीचर का जन्मदिन है। बेटा टीचर ही एक ऐसा अध्यापक ही ऐसा होता है जो हर व्यक्ति के जीवन में जरूर आते हैं, और वे ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में उनको जरूर याद करता है कि हमारे ये सर थे, हमको ऐसे किए नहीं तो हमारा रास्ता बदल रहा था, उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिया कि हमारी दिशा बदल गई और आज उन्हीं के नाते हमारा जीवन भी
बदल गया। तो टीचर वो नहीं होते कि जो आपको केवल क्लास में शिक्षा देते, टीचर वही नहीं है। टीचर हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दे कि हम उसकी बात को मान करके बेहतर काम करना शुरू कर दे, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दे। जीवन में हमें गुरु की जरूरत जरूर है, लेकिन गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरु तो होने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर गुरूर घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर। और आप जानते हैं घमंड बहुत दिन तक, कहावत है, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा धनाढ्य रावण थे, किंतु आपने सुना होगा, देखा तो नहीं, लेकिन सीरियल्स आ रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि सोने की लंका भी जल गई, क्योंकि उनको बहुत अधिक घमंड हो गया था कि हमारे सामने कोई टिकने वाला है नहीं, ना तो है। और जब ये उपराष्ट्रपति थे उसी समय इनके विद्वता, इनके उत्कृष्ट कार्यों को देख करके उस समय भारत की जो सरकार थी, इन्होंने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार है, क्या नाम है उसका, देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, क्या नाम, भारत रत्न से नवाजा सन 1954 ईस्वी। और इनके जो दांपत्य जीवन की बात करते हैं, तो पहले जो बहुत कम समय में ही विवाह हो जाता था लोगों, मात्र 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और उनकी पत्नी का नाम किसी को याद है भाई, तमिलनाडु की भाषा शिवा कवु, उनकी पत्नी शिवा कवु थी, और उनसे 5 बेटी पैदा हुई। पहली बेटी सुमित्रा थी, और उनके पास एक बेटे थे जिनका नाम था सर्वपल्ली गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बेटे थे, सर्वपल्ली गोपाल। बेटा ये सर्वपल्ली जो नाम है, ये कहां से इनको मिला, इनके परिवार में कहां से आया, पहले ये बहुत पहले इनके जो पूर्वज थे सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे, और वहां से वो ट्रांसफर होकर के त्रिचनी आ गए, इसलिए उस अपने गांव की याद को बरकरार रखने के लिए इनके पूर्वज जो लोग थे सभी लोग अपने नाम के पहले सर्वपल्ली लगाते थे, क्योंकि इनके पिता का नाम भी था सर्वपल्ली वीरा स्वामी। और क्या करें, कुछ करें, अच्छा आगे अब हम ये देखते हैं कि 5 साल तक के उप राष्ट्रपति के पद पर ये रहे, और ये अगर इनका चुनाव होता तो फिर अगले 5 सालों के लिए हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा कि अब मैं आगे जो है देश के राष्ट्रपति पद पर रहना नहीं चाहता। अर्थात ये सन 1962 से 1967 तक देश के राष्ट्रपति रहे, और जानिए बेटा इनके राष्ट्रपति काल में देश बड़े सन। गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से ही सम्मान मिलता है, ज्ञान मिलने से ही सम्मान मिलता है। गुरु का आशीर्वाद हो और मन में हौसला, गुरु का आशीर्वाद हो और मन में हौसला,
तो अपनी मेहनत से पूरा जहान मिलता है, पूरा जहान मिलता है। शिक्षक की अनुकंपा से ही ज्ञान का भंडार मिलता है, शिक्षक की अनुकंपा से ही ज्ञान का भंडार मिलता है। देखना चाहे तो गुरु में ही संसार मिलता है, गुरु में ही संसार मिलता है। जिनकी छाया में ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिनके हौसले से परिंदों को आकाश मिलता है, जो अज्ञानता और अंधकार का दोष मिटाते हैं, ऐसे शिक्षक को हम अपना शीश झुकाते हैं, हम अपना शीश झुकाते हैं। जीवन का हर पाठ पढ़ाया, सही गलत का फर्क सिखाया, हम अंधेरे में भटक रहे थे तब जीवन का मार्ग दिखाया। विज्ञान और ज्ञान का भंडार है गुरु, विज्ञान और ज्ञान का भंडार है गुरु। अनुशासन व प्रेरणा का आकार है गुरु, गुरु के चरणों में सदैव शीश झुकाएं, गुरु के चरणों में सदैव शीश झुकाएं। जीवन का हर मुकाम मिलता है।